महाराजगंज में इन दिनों काली कंबल वाले बाबा का दिव्य दरबार शहरी गौशाला के पास में लगाया गया है। बाबा का दावा है कि बड़े से बड़ी बीमारी को सिर्फ 5 दिन शिविर में आने पर ही ठीक कर देंगे और इसका कोई शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। फिर क्या था, इतना सुनते ही लोगों की भीड़ इस कदर बाबा के दरबार पहुंची कि पैर रखने की भी जगह ना हो। बाबा पहले तो अपने मरीज को कंबल ओढ़ाते हैं, फिर शरीर के नसों को खींचकर पटक कर चमत्कार करने का दावा करते हैं। बाबा के चमत्कार की चर्चा सुनते ही जब हमारी टीम ने बाबा के दरबार में पहुंचकर देखा तो नजारा बिल्कुल चौंका देने वाला था। पहले तो बाबा अपने कंबल से लोगों को ढकते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर इलाज का ऐसा कर्तव्य दिखाते हैं जिसे देख हर कोई आश्चर्य में पड़ जाता है। इतने में हमारी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ी जिसे बाबा कंबल उड़ाकर अपना करिश्मा दिखा रहे थे। वो शख्स जमीन पर बैठा रहा और बाबा ने अपना कंबल उसके मस्तक पर रखकर धीरे धीरे उठने को कहा। नजारा बेहद ही चौंका देने वाला था। इतने में वो शख्स उठकर खड़ा हो गया, इतना ही नहीं धीरे धीरे अपने पैर पर चलने भी लगा। जब हमारी टीम ने जानकारी हासिल की तो मरीज ने बताया कि वो जन्म से ही उठ नहीं पाता था। बाबा के चमत्कार की वजह से अब आराम है और वो खड़ा होकर अच्छा महसूस कर रहा है। हमारी पड़ताल इतने में ही खत्म नहीं हुई। जब बाबा से जानकारी ली तो बाबा ने बताया कि चमत्कार उनमें नहीं, उनके काली कंबल में है। जब वो 4 साल के थे तब उन्हें माता काली ने दिया था और वो अब 54 वर्ष के हैं। लगभग 50 साल से वो उसी तरह कंबल ओढ़कर लोगों की बीमारियों का सिर्फ 5 दिनों में इलाज कर देते हैं। बाबा ने तो यहाँ तक कह डाला कि जहाँ मेडिकल साइंस दम तोड़ती है वहाँ से बाबा अपनी काली कंबल से लोगों का इलाज फ्री में करते हैं। मेरा नाम गणेश यादव है, लोग मुझे कंबल वाले के बाबा के नाम से पहचानते हैं। ये 26, 27, 28 मार्च को 50 साल पूरा हो जाएगा। मेरी 54 साल की उम्र, कोई शिक्षा नहीं लिया है। ये मेरी माँ, ये मेरे में कोई शक्ति नहीं है, ये मेरी माँ ही सब कुछ करती है। माँ काली सब कुछ करती है। छोटा बच्चा रोता था तब माँ उसके आँचल में ले लेती है, मेरी माँ का ही आँचल है। उसके अंदर कोई भी बीमारी आई मैंने उसको उड़ा दिया। उसकी कोई भी बीमारी मेरी माँ अपने पहले लेती है। मानव शरीर के अंदर जो भी बीमारी हो, लकवा हो, पोलियो हो, कैंसर हो, शुगर हो, बीपी हो, कोई भी बीमारी हो, कोई शुल्क नहीं। आपने यहाँ देखा होगा, लेकिन यहाँ मैं 5 दिन, कोई लेट को किसी को पता लगा तो यहाँ मैं 10 दिन रुकने वाला हूँ, 2 मार्च से 12 मार्च तक। इतना ही नहीं, इस दरबार में हमें एक और शख्स मिला जिसे गठिया की बीमारी साल 2014 में हुई थी और इलाज लखनऊ, गोरखपुर, महाराजगंज तक हुआ, लेकिन बाबा के दरबार में आकर आराम महसूस कर रहे हैं और बाबा पर विश्वास है। जिसके बाद कुल मिलाकर पड़ताल में पता चला कि लोगों का विश्वास ही है जो बाबा के दरबार तक पहुंचाता है।